हे वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, स्पोकन में क्या शब्द, ऐसा क्या मैं पढ़ा दूं कि अंग्रेजी आपको बोलना आ जाए, ऐसा मैं क्या रिसर्च करूं आपके लिए कि आप अंग्रेजी धारा पर आप बोलना शुरू कर दो। तो हमने आपके लिए बहुत रिसर्च किया है, बहुत ही छोटे छोटे शब्द से एक बड़े बड़े सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर दिया है, वर्ड्स दिया है, जिससे आप आसानी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सोच सकते हैं आसानी के साथ। और आज और अभी से आपको अंग्रेजी बोलवा के रहूंगा, आप बस मेरे साथ लगे रहो और पूरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो, आप देखो तुम्हें बोलने आता कि नहीं आता है। अभी और अभी से मेरे साथ काम करो, एक वर्ड लो और बोलना शुरू करो, बस एक बार शुरू हो जाओ और देखो आपको हर एक वर्ड सिखा दूंगा। ये मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूं, दो हमने पहले दे दिया है कि ऐसा क्या करें कि आपको अंग्रेजी बोलना आ जाए, यानी ऐसा क्या पढ़ा दूं कि आप मुस्कुराओ और अंग्रेजी आपके लिए बहुत आसान बन जाए। तो आइए देखते हैं मेरे साथ। पहला वर्ड मैंने एक वर्ड लिया गॉट। भाई गॉट और गेट तो आप सबको आता ही आता है, लेकिन हमने गॉड से गॉड का हिंदी निकाला तुम्हारे पास, गॉड का हिंदी क्या निकाला तुम्हारे पास। अब हमने बोला पेंसिल है तुम्हारे पास, हमने पूछा एक ही शब्द से अंग्रेजी आ जाएगा। हमने बोला कि पेंसिल है तुम्हारे पास, हमने बोला गॉट ए पेंसिल, गॉट ए पेंसिल ये क्वेश्चन हो गया, इसे क्वेश्चन मान लेना। गॉट ए पेंसिल, पेंसिल है तुम्हारे पास। गॉट ए नाइफ, चाकू है तुम्हारे पास, छुरी है तुम्हारे पास। गॉट ए पेंसिल, गॉट ए नाइफ, गॉट ए वॉच, घड़ी है तुम्हारे पास। गॉट ए पेन, कलम है तुम्हारे पास। गॉट ए बुक, किताब है तुम्हारे पास। तो जहां भी तुम्हारे पास बोलना हो आप गॉट का प्रयोग करो। गॉट ए पेन, गॉट अ शर्ट, गॉट अ पेंसिल, गॉट अ बिल्डिंग, गॉट अ वॉच, गॉट अ नाइफ, गॉट अ शूज, गॉट अ शर्ट, तो कुछ भी बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारे पास। तो एक वर्ड बोलो अंग्रेजी आ जाएगा। लंबे लंबे सेंटेंस बाद में बोलना, पहले छोटे छोटे सेंटेंस बोलने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, आपको मैं सिखाने के लिए आया हूं, आपका तीसरा बना रहा हूं, आपको हमने एक मिशन स्टार्ट किया पूरे भारत में क्रांति फैलाने के लिए कि आप एक एक वर्ड को रिसर्च कर लो, एक एक वर्ड से अंग्रेजी बोलो। क्यों नहीं आएगा बोलना, हमने गॉट ले लिया, हिंदी निकाल दिया तुम्हारे पास, यही होता है। आप पढ़ो ना इसको, यही बोल चाल में प्रयोग होते, नया फैशन है ये, नया फैशन बोलने का है। बड़े बड़े सेंटेंस गए काम से, हमने बोला गॉट अ पेन, गॉट अ पेंसिल, पेंसिल है तुम्हारे पास, गॉट अ पेंसिल, बुक है तुम्हारे पास, गॉट अ बुक, पेंसिल है तुम्हारे पास, पेन है तुम्हारे पास, गॉट अ पेन, शर्ट है तुम्हारे पास, गॉट अ शर्ट, बोलोगे ना। अगला देखो, हमने बोला समथिंग। अब समथिंग ऐसा है कि तुम्हें नहीं आता होगा, समथिंग आता है तुम्हें, हिंदी भी आता है कि समथिंग मतलब कुछ होता है सर, लेकिन सेंटेंस कैसे बना दे बच्चे, ये मुख्य बिंदु है। तो हमने बोला समथिंग, अब हमने बोला कुछ, अब बोला कुछ सोच रहे हो, ये भी प्रश्न है, कुछ सोच रहे हो, थिंकिंग समथिंग, कुछ सोच रहे हो क्या, थिंकिंग समथिंग, कुछ कर रहे हो, डूइंग समथिंग, कुछ कर रहे हो, डूइंग समथिंग, राइटिंग समथिंग, कुछ लिख रहे हो क्या, कुछ लिख रहे हो, राइटिंग समथिंग, रीडिंग समथिंग, कुछ पढ़ रहे हो क्या, रीडिंग समथिंग, सेइंग समथिंग, कुछ कह रहे हो क्या, सेइंग समथिंग, इस तरह देखा हमने। अब इसे आगे और देखते हैं अभी, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं ये तीसरा पॉइंट, हमने कहा बट, अब देखना क्या है कि भाई बोलना है तो अंग्रेजी में एक छोटा सा वर्ड लिया और हजार बोला, जैसे मैं बोला बट, लेकिन हम बोला लेकिन क्यों, लेकिन क्यों बट वाई, लेकिन क्यों बट वाई, लेकिन कौन बट हु, लेकिन कौन किया बट हु, लेकिन कैसे, लेकिन कैसे बट हाउ, लेकिन कब बट वेन, लेकिन कहां बट वेयर। तो आप इसे सेंटेंस जोड़ने मदद मिलेगा ना आपको, आप सेंटेंस जल्दी से बोलो, लेकिन क्यों बट वाई, लेकिन कौन बट हु, लेकिन कैसे बट हाउ, लेकिन कब बट वेन, लेकिन कहां बट वेयर। तो आप ऐसे जब बोलोगे ना तो आपका अंग्रेजी लॉलीपॉप हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। एक वर्ड लिया, एक क्वेश्चन लिया और हजार आप बोल सकते हो, ये सबको क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये सब तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से बोलोगे आसान से। अगर आप बोला देन, देन को फिर, सबको पता है कि देन को फिर होता है, लेकिन जब तक सेंटेंस में ना आ जाए, एक एक वर्ड से बोलना ना आ जाए, आसान नहीं होगा अंग्रेजी। आज अंग्रेजी लॉलीपॉप बना के छोड़ूंगा, आपसे बुलवा के छोड़ूंगा, मेरे साथ बोलो फटाफट, फिर क्या देन व्हाट, फिर क्या
नहीं बोलते कभी, फिर क्या यार, देन वॉट यार, देन वॉट यार, देन वॉट यार, तो ऐसे बोलोगे ना तो मजा आ जाएगा। तो मैं कहा फिर क्या, देन वॉट, फिर कब, देन वेन, फिर कब करोगे, देन वेट, देन वेन, देन वेन विल यू डू, देन वेन विल यू डू, फिर कब करोगे, फिर कब मिलोगे, देन वेन विल यू मीट मी, फिर कब मुझसे मिलोगे, है ना। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, तो आप देन वेन सबके साथ क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर हमने कहा फिर कहां, फिर कहां, देन वेयर, तब कहां जाओगे यार, तब कहां जाओगे, है ना। फिर कौन, देन हु, फिर कौन करेगा, फिर कौन मिलेगा, फिर कौन पढ़ेगा, देन हु, फिर कैसे करोगे इस काम को, फिर कैसे, देन हाउ, देन हाउ विल यू डू, फिर इस काम को कैसे करोगे यार, देन हाउ, है ना। तो फिर से बोलो मेरे साथ फटाफट, देन का मतलब फिर, फिर क्या, देन व्हाट, फिर कब, देन वेन, बोलो फटाफट, दे फिर कहां, देन वेयर, फिर कौन, देन हु, फिर कैसे, देन हाउ। अब बताओ बोलना आया कि नहीं आएगा, अभी और आपको दिखाता हूं। चलिए अगला देखते हैं फटाफट। अब देखो थ्री वाला, यहां पे मैंने बात करा कि एनी, अब एक एक वर्ड मैं क्यों ले रहा हूं पता है, ताकि मैं आपसे बुलवा लूं, मैं आपसे निकलवा लूं। आप बस बैठे हुए सोच रहे हो, सोचो मत, निकालो अपने अंदर से, यहां से निकालो, बोलना आ जाएगा। हमने एनी लिया, एनी का मतलब कोई, हम लोग कोई संभावना है, कोई संभावना है, एनी पॉसिबिलिटी, कोई संभावना है, एनी पॉसिबिलिटी, कोई खबर है, एनी न्यूज, कोई खबर है, एनी न्यूज, कोई अनुभव है, एनी एक्सपीरियंस, कोई खबर है, एनी एक्सपीरियंस, कोई मुश्किल है, एनी प्रॉब्लम, कोई उम्मीद है, एनी एक्सपेक्टेशन। तो कोई वर्ड बोला, एनी पॉसिबिलिटी, कोई संभावना है, एनी न्यूज, कोई खबर है, प्रभु, एनी एक्सपीरियंस, कोई अनुभव है, एनी प्रॉब्लम, कोई संभावना है, कोई मुश्किल है, एनी एक्सपेक्टेशन, कोई उम्मीद है। तो जब आप मेरे साथ तेज बोलोगे ना तो बोलना आ जाएगा, बोलो फटाफट, कोई संभावना है, मैं ढक ले रहा हूं, एनी, कोई संभावना है, एनी पॉसिबिलिटी, कोई खबर है, एनी न्यूज, कोई अनुभव है, एनी एक्सपीरियंस, कोई मुश्किल है, एनी प्रॉब्लम, कोई उम्मीद है, एनी एक्सपेक्टेशन। देखा आपने कैसे बोल लिया। इसी तरह से जब आप एक वर्ड से हजार बोलना शुरू करोगे, अंग्रेजी आसान हो जाएगा। एक वर्ड लिया नीड, सबको आता है, तुम लोग जितने बच्चे देख रहे हो भारत में, सबको पता है कि नीड का मतलब जरूरत होता है। हमने कोशिश किया इस जरूरत को जरूरत बना देने के लिए, हमने कहा नीड, कुछ सहायता चाहिए क्या, कुछ सहायता चाहिए, नीड एनी हेल्प, नीड एनी हेल्प, कुछ सहायता चाहिए, नीड एनी हेल्प, कुछ चाहिए, नीड समथिंग, कुछ चाहिए, नीड समथिंग, पैसे चाहिए, नीड मनी, पैसे चाहिए, नीड मनी, नमक चाहिए, नीड सम सॉल्ट, नीड सम सॉल्ट, किताब चाहिए, नीड अ बुक, कलम चाहिए, नीड अ पेन, टेबल चाहिए, नीड अ टेबल, शर्ट चाहिए, नीड अ शर्ट, चश्मा चाहिए, जो भी चाहिए। तो आपने चाहिए के मत क्या है, जरूरत। तो जब जरूरत के अर्थ में आप इसका प्रयोग करते हो तो आप आसानी से बोल सकते हो। अगला देखते हैं और क्या कहता है। अब देखो एक शब्द यहां पे क्या किया हमने, और सबको पता है कि या होता है, पता है ना, महात्मा गांधी ने कहा था डू और डाई, डू और डाई, मरो या करो। अब यहां पर और मतलब या, अब या से तुम सेंटेंस बनाओ। आपको हिंदी पता है कि या क्या होता है, बट आपको सेंटेंस बनाना है मेरे दोस्त। जब आप पूरे विश्व में, पूरे भारत में क्रांति की तरह फैलाना चाहते हो ना अंग्रेजी को, तो इसके लिए एक एक शब्द को यूज करना सीखो। हमने और लिया और इसे सेंटेंस फ्रेम कर दिया। हमने बोला अभी या अगले साल, अभी करोगे या अगले साल करोगे, तो अभी, नाउ और नेक्स्ट ईयर, अभी और अगले साल, नाउ और नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन पूछ दिया, नाउ और नेक्स्ट ईयर, आज या कल, टुडे और टुमारो, आज या कल, टुडे और टुमारो, या वह, दिस और दैट, या वह, या वह, दिस और दैट, या वह। चाय और कॉफी क्या लेंगे, टी और कॉफी, व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफी क्या लेना चाहेंगे आप, व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफी, है ना। कब मिलना चाहेंगे आप, आज या कल, व्हेन विल यू मीट मी, टुडे और टुमारो, व्हेन विल यू मीट मी, टुडे और टुमारो। तो आप भी तो छोटे वर्ड से बड़े सेंटेंस बना सकते हैं ना, बट आपको यह चीज का ज्ञान होना जरूरी है मेरे बच्चे। अगला वर्ड है यू, यू का मतलब तुम, सबको पता है कि यू का मतलब तुम होता है, आप होता है। अब यहां देना है, आप ठीक है, यू ओके, आप ठीक है, यू ओके,
कितना सिंपल है, कोई सेंटेंस नहीं आता सर, बस एक वर्ड आता है अंग्रेजी बोलना शुरू कर दूंगा, छोटे छोटे वर्ड लेकर के दुनिया में अंग्रेजी बोल के आप छा सकते हैं, पर्सनालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, किसी का मुहताज नहीं, कोई क्लास का जरूरत नहीं, बस धर्मेंद्र है, बस यूट्यूब करते रहो, क्लास आपका आ जाएगा। आप काम में हैं, आप बिजी हैं, यू बिजी, बस एक लाइन में हो गया अंग्रेजी, यू बिजी, आप बिजी हैं, आप अकेले हैं, यू अलोन, यू अलोन, सब में डाल दो क्वेश्चन मार्क, यू अलोन, आप अंधे हैं, यू ब्लाइंड, आप बहरे हैं, यू डीप, देखा आपने, तो इस तरह से आप कर सकते हो। मेरे बच्चे आप सेंटेंस फ्रेम करो, भारत में आप छा जाओगे। इस वीडियो को ना हर बच्चे को दो, आपके साथ साथ पूरे भारत में हर बच्चे की जरूरत है, इतना शेयर करो ना, इसका 3 सीरीज है, इतना शेयर करो ना कि हर बच्चा अंग्रेजी बोलने में धारा पार शुरू कर दे। और हाँ, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो तो दिल्ली अब दूर नहीं है, आप दिल्ली आ सकते हो और आकर के बढ़िया से क्लास कर सकते हो, बेहतरीन क्लास कर सकते हो, और आप चाहो तो ऑनलाइन क्लास भी घर बैठे इंग्लिश आप सीख सकते हो, धर्मेंद्र सर क्लास दे सकते हो। आप इस वीडियो को पूरे भारत में फैला करके, और जितना लाइक करोगे ना उतना मेरे को अच्छा लगेगा, और जितना शेयर करोगे उतना मेरे को अच्छा लगेगा, तो शेयर करो, लाइक करो, और फिर धर्मेंद्र सर के साथ जुड़े रहो। थैंक यू।